हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो IBPS PU मेंस का रिज़ल्ट तो आ चुका है, जिसमें हमने कट ऑफ देखा कि लास्ट ईयर के समथिंग ही कट ऑफ गया है। ऑल दो लास्ट ईयर की वैकेंसी कम थी इस बार के मुकाबले, और इजी पेपर आया था लास्ट ईयर, फिर भी इस बार जो कट ऑफ गया है IBPS PU मेंस का, वो उस कंपैरिजन में ज़्यादा गया। अब ऐसा क्यों? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो थे वो ज़्यादा सिलेक्ट किए गए हैं प्री में, मेंस में अपियर होने के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि प्री का जो कट ऑफ था वो 50 मार्क्स था, जो कि काफ़ी कम गया था। इस वजह से हो सकता है कि कैंडिडेट्स जो है मेंस के लिए ज़्यादा क्वालिफाई हुए, और इसी कारण से कट ऑफ इंक्रीज हुआ। या तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मेंस के पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अटेम्प्ट कुछ स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, जिनसे जिसके कारण उनके मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा आए। तो ये कारण हो सकता है कि IBPS PU मेंस का जो कट ऑफ था वो ज़्यादा गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के समथिंग ही है, 3 मार्क्स लास्ट ईयर से वैसे कम है, बट कंपेयर करें डिफ़िकल्टी लेवल और उसके हिसाब से तो वो ज़्यादा ही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या IBPS क्लर्क में भी ऐसा ही होगा, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी या लगभग उतनी ही रहेगी। तो हम सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं, किन फैक्टर्स पर कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वैकेंसी पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसका केवल MP का ही डिस्कस करूँगा, MP से रिलेटेड, कि MP में क्या कट ऑफ, क्या वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ जा सकता है। तो आप अपने स्टेट का उस हिसाब से जज कर लेना। ठीक है, लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी MP में IBPS करके, वो 100+ के समथिंग थी जब अलॉटमेंट हुआ था बैंक्स में, जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था, है ना, जब 100+ वैकेंसी के समथिंग थी, 110 के समथिंग थी। और इस साल जो है 389 अभी तक है। इसमें ऐड होगी PNB की और इंडियन बैंक की, तो PNB की लगभग 30 वैकेंसी है, जब ऐड होगी 30-32 वैकेंसी, तो ये 420 के समथिंग चली जाएगी, जो कि 2019 के बराबर है। 2019 में भी 420 वैकेंसी के समथिंग IBPS क्लर्क ने फिल की थी। ठीक है, तो अगर हम वैकेंसी के हिसाब से देखें तो वैकेंसी अच्छी खासी इंक्रीज है, लगभग 4 गुना इंक्रीज हुई है, जिसके कारण जो है कट ऑफ शुड बी डाउन, मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कट ऑफ डाउन जाना चाहिए। अब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो लास्ट ईयर भी जो था, अगर ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट था, है ना, और इस साल जो है वो मॉडरेट से थोड़ा सा हम ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि इस बार GA टफ आई थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही टफ आई थी, तो इसलिए हम मॉडरेट से थोड़ा सा लेवल प्लस मानेंगे। तो इसके कारण भी थोड़ा सा जो कट ऑफ है उस पर रिड्यूस होगा। बट ये जो अपियर्ड इन मेंस, अगर हम इसकी बात करें तो इस साल, पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल स्टार्टिंग में वैकेंसी जो IBPS ने निकाली थी वो कम निकाली थी, है ना। ये 100+ तो अलॉटमेंट के बाद की बात है, जब अलॉट हो फाइनल रिजल्ट आ गया था, लेकिन जब स्टार्टिंग में निकाली थी वो लगभग लगभग 50 से 60 ही थी। ठीक है, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता जब तक, तो इसके हिसाब से इनने क्या है कि 3 गुना, अगर 3 गुना भी मानते कि मेंस के लिए सिलेक्ट करते हैं तो 150 ही होते हैं, और वैकेंसी जो थी 100 पर 110 के समथिंग थी, तो ये 150 में से 110 सिलेक्ट हुए। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 389, मतलब हम अगर 390 भी समझे तो इसका 3 गुना जाएगा, तो 1000+ बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे। ठीक है, और इनमें से 420 सिलेक्ट होंगे, तो ये जो रेशियो है इसके हिसाब से ये रेशियो कम है, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है और यहाँ पे वैकेंसी कम है, यहाँ पे वैकेंसी उस हिसाब से कंपैरिजन में ज़्यादा है 150 के हिसाब से, इस वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ सकता है। अब अगर हम ओवरऑल देखें कि इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो लगभग 36.73 थी। ठीक है, तो 37 भी पकड़े तो 74 मार्क्स होते हैं, तो इस बार भी कट ऑफ लगभग लगभग यही जाएगी। जो मेरा ओपिनियन है वो 35 से 37 के बीच में ही इस बार के कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है वो कंपनसेट कर देगा बाकी की चीज़ों को। ठीक है, और मैक्सिमम कर देगा तो 40 मार्क्स जाएगा, जो कि 80 मार्क्स होता है 200 में से, तो पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की। अब आप अपने स्टेट्स का इस हिसाब से कंक्लूड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो
बैंकिंग इंजीनियर 007@gmail.com पे आप मुझे, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप इस पे अपनी क्वेरी लिख के पूछा सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी मैं बनाने का सोच रहा हूँ, बट अभी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।